हाय। सो हर एक स्टूडेंट एक नई क्लास में आने के बाद किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले वो ये समझना चाहता है कि उस पूरे सब्जेक्ट में, उस पूरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका क्या सिलेबस है, कोई भी बोर्ड कौन से यूनिट को इम्पॉर्टेंट समझता है, किस यूनिट पे उसे ज़्यादा फोकस करना है और कौन से चैप्टर पे उसे ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर के कॉन्सेप्ट उसे ज्यादा समझने हैं। सो ऐसा पर्टिकुलर सिनेरियो वो अपने दिमाग में लेके चलता है कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हाउ द मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द पर्टिकुलर यूनिट्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो ये सब उसके दिमाग में क्वेश्चंस हमेशा उठते रहते हैं। सो लेट्स क्लियर दैट। सो अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स का पर्टिकुलर सिलेबस एंड द डिफरेंट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई फॉर द डिफरेंट यूनिट्स। सो सीबीएसई ने जितने डिफरेंट यूनिट्स क्रिएट किए हैं और हर एक यूनिट पे जो उन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, वो हम देखेंगे एंड उससे हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि विच यूनिट इज इंपॉर्टेंट। देन विल टेल यू कि हर एक यूनिट में वी हाउ मेनी चैप्टर्स वी हैव, उन चैप्टर्स में हम कौन कौन से टॉपिक का डिस्कशन करेंगे इन द पर्टिकुलर ईयर और उन पर्टिकुलर चैप्टर्स में कौन से चैप्टर पे हमें ज्यादा फोकस करना है। सो हमार हर एक सवाल का आंसर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो अगर हम बात करें क्लास 9th मैथमेटिक्स में, सो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई देर आर 6 डिफरेंट यूनिट्स। सो वो 6 डिफरेंट यूनिट्स कौन कौन सी हैं? सो वी हैव नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सो हमारे पास ये 6 डिफरेंट यूनिट्स हैं। कौन कौन सी यूनिट बताई? नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मैथमेटिक्स में ये 6 डिफरेंट यूनिट्स हैं और उन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया? सो फॉर नंबर सिस्टम दे हैव प्रोवाइडेड अप्रॉक्सीमेट 8 नंबर्स। सो ये जरूरी नहीं है कि जो भी मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं वही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में आए, बिकॉज क्लास 9th का पेपर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं, बट अप्रॉक्सीमेट नंबर उसी के आसपास होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल एज वेल, बट अप्रॉक्सीमेटली उतना ही नंबर उस पर्टिकुलर यूनिट को डिफाइन किया होगा, बिकॉज कोई भी स्कूल जब पेपर क्रिएट करता है एंड इफ इट इज एफिलिएटेड टू सीबीएसई तो वो सीबीएसई गाइडलाइन को फॉलो करता है। सो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो भी मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं दैट इज अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एंड इट इज अपलोडेड ऑन टू दी सीबीएसई वेबसाइट, सो यू कैन चेक देयर एज वेल और आपको हमारे एप्लीकेशन पे भी मिलेगा। सो बेसिकली नंबर सिस्टम को सीबीएसई ने 8 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अलजेब्रा के लिए उन्होंने 17 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स, ज्योमेट्री 28 मार्क्स, मेंसुरेशन 13 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स। सो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आया वो कैसा आया? नंबर सिस्टम के लिए 8, अलजेब्रा के लिए 17, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4, ज्योमेट्री 28, मेंसुरेशन 13, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10। सो इफ इन केस यू वांट टू टोटल इट अप, सम इट अप, सो द टोटल विल बिकम 80। सो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स और साइंस पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा, हम सिलेबस मैथ्स का डिस्कस करेंगे। सो मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे बट एग्जाम पैटर्न इज सिमिलर फॉर मैथ्स एंड साइंस। सो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, द फाइनल एग्जाम विल बी ऑफ
80 मार्क्स। सो 80 मार्क्स का आपका एक सब्जेक्टिव पेपर है जिसमें ये 6 डिफरेंट यूनिट्स हैं, एंड 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट है। इंटरनल असेसमेंट में 10 मार्क्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर क्लास टेस्ट, जितने भी आपके क्लास टेस्ट होंगे, एंड 10 मार्क्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एक्टिविटीज। सो टोटल ऑफ 100। सो ये 80 मार्क्स इन 6 डिफरेंट यूनिट्स में इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब यूनिट्स 6 हैं, बट इन टोटल यू हैव 15 डिफरेंट चैप्टर्स। सो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में आपके पास 15 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। कई यूनिट्स में आपके पास सिंगल चैप्टर है और कई यूनिट्स में यू हैव मोर देन वन चैप्टर। सो विल सी कि वो उन चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। सो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, सो वी हैव ओनली वन चैप्टर विच इज रियल नंबर। एलजेब्रा की बात करें तो एलजेब्रा यूनिट में वी हैव टू डिफरेंट चैप्टर्स विच इज पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देन फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी हैव वन चैप्टर विच इज नेम्ड एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर ज्योमेट्री में वी हैव 7 डिफरेंट चैप्टर्स। अब हमारे पास 7 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, देन वी हैव लाइंस एंड एंगल्स, देन वी हैव ट्राइंगल, देन वी हैव क्वाड्रिलेटरल्स, देन वी हैव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, देन वी हैव सर्कल्स, एंड द लास्ट वन इज कंस्ट्रक्शन। सो ये 7 डिफरेंट चैप्टर्स हैं, फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री टू कंस्ट्रक्शन। जो 7 चैप्टर्स हैं ये सारे इंक्लूडेड हैं किसमें, ज्योमेट्री में। देन वी हैव मेंसुरेशन यूनिट जिसमें हमारे पास 2 चैप्टर्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज द हिरॉन्स फॉर्मूला जिसको आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कह सकते हैं, एंड द सेकेंड वन इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फिर हमारे पास जो यूनिट आती है दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इंक्लूडिंग 2 चैप्टर्स, वन इज स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड वन इज प्रोबेबिलिटी। सो दीज आर 15 चैप्टर्स। सो 15 चैप्टर कैसे हैं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, एरिया विच इज हिरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन वी हैव सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम, देन स्टैटिस्टिक्स, देन प्रोबेबिलिटी। सो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई क्लास 9th में ये 15 डिफरेंट चैप्टर्स हैं, वो 6 डिफरेंट यूनिट्स में क्लब्ड हैं, और हर एक यूनिट का मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया। सो अगर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी हुई, यूनिट की अगर बात करें तो ज्योमेट्री। सो आफ्टर ज्योमेट्री द इंपॉर्टेंट यूनिट इज अलजेब्रा, देन यू हैव मेंसुरेशन, देन यू हैव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, देन यू हैव नंबर सिस्टम, and then you have coordinate geometry. So unit के comparison में आप देखोगे तो ये आपका sequence बनेगा important units में. But अगर आप accordingly देखोगे तो number system को जो 8 marks allotted हैं वो सिर्फ single chapter के लिए. So single chapter is of 8 marks. तो इसका मतलब वो single chapter भी important है. बहुत basic concept है, बहुत vast concept है, बड़ा chapter है, बेसिक है, इसलिए उसको ज्यादा मार्क्स अलॉटेड है। ऐसे ही आप एलजेब्रा में आएंगे, सो यू हैव 2 डिफरेंट चैप्टर्स विच इज कंस्टिट्यूटिंग 17 नंबर। सो 2 चैप्टर को अगर 17 नंबर में आप बांटोगे तो एक चैप्टर, मतलब अगर दोनों को इक्वली डिवाइड करोगे सो इट विल बी 8.5, और एल्स 1 विल बी ऑफ 9, 1 विल बी ऑफ 8, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसका मतलब एलजेब्रा के चैप्टर्स भी आर इंपॉर्टेंट। अगर आप इसी तरीके से ज्योमेट्री में आओगे, ज्योमेट्री में यू हैव 7 डिफरेंट चैप्टर्स, 28 मार्क्स। इफ यू डिवाइड दोज मार्क्स इक्वली, सो 7 × 4 = 28, सो एवरी चैप्टर इज गेटिंग 4 मार्क्स। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी चैप्टर विल गेट 4 मार्क्स, बट कंपेयर टू एलजेब्रा चैप्टर्स एंड नंबर सिस्टम चैप्टर उतने इंपॉर्टेंट नहीं हुए, बट कॉन्सेप्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू यूनिट्स आप चलोगे तो ज्योमेट्री यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन एलजेब्रा, देन मेंसुरेशन।
अगर आप इन तीन यूनिट को बहुत अच्छे से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, तो आपके लिए मार्क्स करना एग्जाम में इजी होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका सम अप करोगे, सो 17 13 इज 30, 30 प्लस 28 इज 58। सो ये तीन डिफरेंट यूनिट्स 58 मार्क्स को कंबाइन करते हैं। सो आउट ऑफ 80, 58 मार्क्स तीन डिफरेंट यूनिट्स में है। सो विच इंक्लूड्स 11 चैप्टर्स। सो इसका मतलब ये तीन डिफरेंट यूनिट्स को हमको थोड़ा अच्छे से फोकस होके पढ़ना होगा, क्योंकि इनका मार्क्स हेवियर साइड पे। अब बात ये आती है कि ये तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अकॉर्डिंग टू मार्क्स हमने इंपॉर्टेंट यूनिट भी देख ली, हर एक यूनिट में हमारे पास कितने चैप्टर्स हमने वो भी देख लिए, हमें पता चल गया कि वी हैव टोटल ऑफ 15 चैप्टर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट इज कि इन चैप्टर्स में क्या पढ़ना होगा। इन चैप्टर्स में, अब अगर आप रियल नंबर की बात करो, सो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स डिस्कस किए हैं, चाहे वो इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रियल नंबर हो, इमेजिनरी नंबर हो, ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ रखे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ रखी हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में उसको रिविजिट करते हुए आप दो नंबर्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, विच इज रैशनल एंड इरैशनल। सो रियल नंबर में हम इन दो चैप्टर्स के बारे में, इन दो टॉपिक्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे, रैशनल एंड इरैशनल। सो रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इरैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वेयर टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। सो नंबर लाइन पे मैं रैशनल को इरैशनल को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, दो डिफरेंट नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रैशनल नंबर इरैशनल नंबर होता क्या है, कौन कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कौन कौन से डिफरेंट लॉज ये पर्टिकुलर रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर फॉलो करते हैं, ऐसी सब चीजें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर रियल नंबर में पढ़ेंगे। नॉट ओनली दिस, हम रैशनलाइजेशन भी एक कॉन्सेप्ट है वो भी पढ़ेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट? रैशनलाइजेशन। सो ये कुछ टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर भी पढ़ेंगे, बट मैंने उसको नहीं लिखा बिकॉज यू आर रिविजिटिंग इट, यू नो अबाउट दैट, आप उसको थोड़ा सा रिवाइज करोगे, यूल सी दी कॉन्सेप्ट, यूल सी दी जिस्ट, बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कुछ नया है वो क्या है, रैशनल नंबर के बारे में, इरैशनल नंबर के बारे में, रैशनलाइजेशन। डेफिनेशन भी आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, बट उनके बेसिक कॉन्सेप्ट, रिप्रेजेंटेशन, दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना, इरैशनल नंबर निकालना, उन पे डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वो आप यहां देखेंगे। सिमिलरली जब हम जंप करेंगे सेकेंड चैप्टर में, विच इज ऑफ डिफरेंट यूनिट, सो हम पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या डिस्कस करने वाले। सो पॉलिनोमियल बेसिकली आपके लिए एक नया चैप्टर होगा जिसमें आप एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में पढ़ोगे, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। सो ये दो टर्म मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, एक्सप्रेशन के कितने डिफरेंट टाइप्स हैं, इक्वेशन के कितने डिफरेंट टाइप्स हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है, जो डिफरेंट टाइप्स आपने एक्सप्रेशन इक्वेशन के पढ़े उनके वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, जीरोस कैसे निकाल सकते हो, और उन एक्सप्रेशन और इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे कर सकते हो। सो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स। आप इन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देखोगे रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। सो इसमें आपने पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ा, एक्सप्रेशन पढ़ा, इक्वेशन पढ़ा, एक्सप्रेशन इक्वेशन के वैल्यूज और जीरोस कैसे निकालेंगे, उन एक्सप्रेशन इक्वेशन के कितने डिफरेंट टाइप्स हैं, उन एक्सप्रेशन इक्वेशन में आप रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और उसका फैक्टराइजेशन पढ़ोगे। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पॉलिनोमियल्स में पढ़ने वाले हैं, और यही सिलेबस है। सो वी आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली, जिस पे आपको फोकस भी करना है।
फिर हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब आप इक्वेशन के बारे में पढ़ोगे तो उसके जो डिफरेंट टाइप्स पढ़ोगे, सो उसमें एक टाइप निकलेगा विच इज लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल के साथ आप इंक्लूड करोगे, उनके डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दोज टू इक्वेशंस। जब आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म करोगे तो सॉल्विंग मेथड देखोगे, वो सॉल्विंग मेथड कितने टाइप के हैं, उनको आप कैसे कैसे सॉल्व करोगे, उन सब पैटर्न उस सब वे को आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ोगे। सो वी विल टॉक मोस्टली ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे जिसमें हम सॉल्विंग मेथड पे ज्यादा फोकस करेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ सॉल्विंग होगा, सबसे पहले आपको यह सिखाया जाएगा कि अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है तो आप लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे। उस लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन मैंने नहीं लिखा, सो आपको फॉर्मेशन भी सिखाया जाएगा, बट फॉर्म करने के बाद यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द वेरिएबल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई एम राइटिंग ओनली द इंपॉर्टेंट थिंग। सो फॉर्मेशन किया, फॉर्मेशन करने के बाद उनके जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग है वो तीन डिफरेंट मेथड्स हम देखेंगे। उन तीन डिफरेंट मेथड्स को देखने के बाद कैसे उनको इंप्लीमेंट करना है ऑन टू द चैप्टर वो भी हम सीखेंगे। सो मेन टॉपिक ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सॉल्विंग मेथड। फिर हम देखेंगे द नेक्स्ट यूनिट विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमारे पास एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओनली। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप बात करेंगे कार्टेशियन प्लेन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के बाद आप कैसे डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर कार्टेशियन प्लेन। आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को, कोऑर्डिनेट पॉइंट को, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, कितने एक्सेस हैं आपके पास, वो सब चीजें देखते हुए आप डिफरेंट पॉइंट्स को ऑन द कार्टेशियन प्लेन प्लॉट करना सीखेंगे। वेरी बेसिक चैप्टर, बहुत इजी है, यू जस्ट हैव टू सी वन कॉन्सेप्ट, यूजिंग दैट वन कॉन्सेप्ट आप पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते। बेसिक चैप्टर ऑफ क्लास 9th। फिर हम डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट यूनिट पे जंप करेंगे विच इज ज्योमेट्री यूनिट। ज्योमेट्री यूनिट में वी हैव 7 डिफरेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 9th। इंपॉर्टेंट के साथ साथ डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होती है। अभी आपने जितने चैप्टर्स का डिस्कशन किया वो बहुत इजी, बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं। अब जो हम चैप्टर्स डिस्कस करेंगे वो थोड़े टिपिकल होते जाएंगे, बट अभी भी इजी है। सो मैथमेटिक्स में आपको एक फंडा क्रिएट करना है, यू जस्ट हैव टू लर्न द बेसिक। आप बेसिक पढ़ें, हर एक नॉलेज को गेन करें, हर एक कॉन्सेप्ट को समझें, उसका इंप्लीमेंटेशन देखें, एंड देन ट्राई टू प्रैक्टिस हार्ड। सो आपने इंप्लीमेंटेशन देखा, कॉन्सेप्ट समझा, फिर आपने अपने कॉपी में, नोटबुक में प्रैक्टिस करना चालू किया। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्टिकुलर मैथमेटिक्स। सो अभी हमने बात की इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, वी हैव टू स्टार्ट द थिंग। सो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में, सिंस इट इज नॉट फॉर असेसमेंट, अकॉर्डिंग टू CBSE इट इज नॉट फॉर असेसमेंट। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका स्कूल इस पे क्वेश्चन पूछे, बहुत बेसिक चैप्टर है, नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक फंडास गिवन है। सो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्री के ऊपर बहुत सारे एक्सियम्स, पोस्टुलेट, थियोरम, स्टेटमेंट्स, बहुत ऐसी चीजें, बेसिक लाइंस दिए थे, बेसिक स्टेटमेंट्स दिए थे जो मैथ्स में ट्रुथ हैं। आप इसके कॉन्सेप्ट को कई चैप्टर में यूज करोगे, बट ये बहुत बेसिक चैप्टर है, इट्स जस्ट फॉर गिविंग यू दी नॉलेज। सो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में हम एक्सियम, पोस्टुलेट, थ्योरम, स्टेटमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रेज, पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, ये सब देखेंगे हम इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, बट इट इज नॉट फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू CBSE।
Then we'll jump on to the next chapter, which is lines and angles. So lines and angles, अब हम जितने चैप्टर का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं. मार्क माई वर्ड्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर. क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, चैप्टर कॉन्सेप्ट्स आर डिफिकल्ट, बट वी विल क्रिएट इट इजी. सो आपको कॉन्सेप्ट अब फोकस्डली सुनना पड़ेगा. कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं. सो व्हेन विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर, So, उन चैप्टर्स को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा. इन चैप्टर्स को आप बहुत ध्यान से प्रैक्टिस भी करना होगा. द रीजन बिहाइंड दैट इज कि अब हम जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें वी हैव लॉट ऑफ थ्योरम्स, लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स जिनका हमें यूज करना होगा डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में. सो वी हैव टू रिमेंबर दोज स्टेटमेंट्स. So, उन स्टेटमेंट्स को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो लाइंस एंड एंगल्स में आप जो डिस्कशन करेंगे वो लाइंस एंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस देखेंगे, जैसे कि इंटरसेक्शन, पैरेलल, एंटी पैरेलल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स देखेंगे, अक्यूट, ऑब्ट्यूज, वर्टिकली ऑपोजिट, एडजेसेंट. सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स भी देखेंगे. और इन्हीं लाइंस और एंगल्स के बीच में अब आप डिफरेंट रिलेशन जिस इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम, एंगल्स और लाइंस के बीच में डिफरेंट रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम्स, कई सारे थ्योरम डिस्कस करेंगे हम लाइंस एंड एंगल्स में. देन विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज ट्राइंगल. सिंस यू नो ट्राइंगल इज अ शेप, ट्राइंगल एक शेप है, ये सब जानते हैं. So, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, ये कुछ नए वर्ड देखेंगे. कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलर, और वी कैन से सिमिलर ट्राइंगल्स. सो क्या होते हैं सिमिलर ट्राइंगल, क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्या उनका कॉन्सेप्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रूविंग दैट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, चाहे वो RHS हो, SSS हो, ASA हो. सो ऐसे डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं जो आपके ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में. सो आफ्टर डिस्कशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, उन्हीं से रिलेटेड कुछ थ्योरम, ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ थ्योरम इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है. Then we'll talk about the next chapter, which is quadrilateral. So quadrilateral again is a shape. So quadrilateral ko samjhayenge ki quadrilateral kya hai, how you can find the area and the perimeter. It's just a normal information. Then we'll talk about the most important section of quadrilateral, which is different rules and properties. Bahut sare rule aur properties dekhenge jo ek quadrilateral follow karta hai in the form of theorem again. So, उनमें कुछ मोटिवेशनल थ्योरम, मोटिवेशनल थ्योरम इज लाइक एक्सियम एंड पोस्टुलेट, नो प्रूफ, बट कुछ स्टेटमेंट या कुछ थ्योरम ऐसे देखेंगे जिनका अब हम प्रूफ देंगे. सो यूक्लिड ज्योमेट्री में मैं आपको एक्सियम पोस्टुलेट थ्योरम स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, विल सी द डिफरेंस एज वेल. सो थ्योरम क्वाड्रिलेटरल में कुछ थ्योरम हम प्रूफ नहीं करेंगे विच आर एक्सियम एंड पोस्टुलेट, और कुछ थ्योरम हम प्रूफ करेंगे विच आर थ्योरम ओनली. सो क्वाड्रिलेटरल में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स पढ़ेंगे जो कि एक क्वाड्रिलेटरल फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स एंड द साइड्स. देन विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल. सो आपको एरिया कैसे फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन, कुछ डिफरेंट रूल्स हम पढ़ेंगे. जैसे अगर सेम बेस पे दो पैरेललोग्राम हो तो क्या होगा, सेम बेस में दो ट्राइंगल हो तो क्या होगा. सो ऐसे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो हम देखेंगे इन द चैप्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल. देन विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज सर्कल. तो सर्कल में भी हम कई सारे टॉपिक सीखेंगे. सर्कल क्या है ये तो हम बताएंगे, हर चैप्टर में हम ये जरूर डिस्कस करेंगे कि वो चीज है क्या. सर्कल्स में जैसे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है,
कॉर्ड क्या है। सो ये सब चीजें क्या हैं? सेक्टर, सेगमेंट, कॉर्ड, फिर उसके बाद आर्क। सो ऐसे कई सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो सर्कल से रिलेटेड हैं। सो उन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, फिर इन्हीं टर्मिनोलॉजी में सेक्टर एंगल कैसे निकालना है, सेक्टर का एरिया कैसे निकालना है, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट क्या है, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर क्या है, और इन्हीं फॉर्मूलेज को यूज करते हुए डिफरेंट रूल्स देखेंगे जो एक पर्टिकुलर सर्कल फॉलो करता है, जिनको हम थ्योरम ऑफ सर्कल कहेंगे। ऐसे ही डिफरेंट थ्योरम्स डिस्कस करेंगे एंड देयर प्रूफ। सर्कल चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो हम सीक्वेंसिंग करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन चैप्टर्स में जितने भी चैप्टर हमने डिस्कस किए और जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, उन चैप्टर्स में कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। देन विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज कंस्ट्रक्शन, विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री। सो कंस्ट्रक्शन में आप डिफरेंट शेप्स को यूजिंग योर ज्योमेट्रिकल बॉक्स, यूजिंग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट्स, उन इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए आप डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, हाउ यू कैन फॉर्म अ पर्टिकुलर शेप यूजिंग दोज यूटेंसिल्स, वो हम सीखेंगे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। कुछ डिफरेंट कंडीशंस होंगी, कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, यूजिंग दोज कंडीशंस हम शेप को कैसे फॉर्म करेंगे वो हम सीखेंगे इन द चैप्टर कंस्ट्रक्शन। सो आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर यूनिट ज्योमेट्री विल बी कंप्लीटेड, ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम जंप करेंगे इन द नेक्स्ट यूनिट विच इज मेंसुरेशन। सो अगेन मेंसुरेशन में हमारे पास दो डिफरेंट चैप्टर हैं। द फर्स्ट वन विल बी द हिरॉन्स फॉर्मूला एंड द सेकेंड वन विल बी द सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हिरॉन्स फॉर्मूला बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल है। सो हम उसमें देखेंगे कि विदाउट प्रूविंग, देर इज नो प्रूफ फॉर दैट, कोई प्रूफ नहीं है, बट हिरॉन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हिरॉन्स फॉर्मूला क्या है, और अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल को ब्रेक करके ट्राइंगल में हम हिरॉन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालें। सो यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला नाउ विल सी हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, नॉट यूजिंग द एक्चुअल फॉर्मूला बट द डिफरेंट फॉर्मूला। फिर हम देखेंगे द नेक्स्ट चैप्टर विच इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम डिफरेंट शेप्स के बारे में बात करेंगे, नॉट टू डी शेप्स, थ्री डायमेंशन शेप्स, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, इसी के साथ हेमिस्फेयर, सिलेंडर, कोन, एंड दीज सिलेंडर एंड कोन इज राइट सर्कुलर। सो ऐसे कुछ थ्री डायमेंशनल शेप्स के बारे में बात करेंगे, विच इज क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन। इन शेप्स में हम हाउ टू फाइंड द एरिया। अब सरफेस एरिया दो तरीके के होते हैं, वो हम आपको बताएंगे, विच इज टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, ये भी देखेंगे। हाउ टू फाइंड द टीएसए एंड सीएसए ऑफ दीज शेप्स, हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दीज शेप्स, इन सब कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। आफ्टर दैट विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा। स्टैटिस्टिक्स में आप सीखोगे मीन, मोड, मीडियन, मीन, मोड, मीडियन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो फ्रीक्वेंसी क्या है, उन फ्रीक्वेंसीज को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, टैली मार्क्स, और उसके बाद हाउ टू फाइंड द मीन विच इज एवरेज, हाउ टू फाइंड द मोड, हाउ टू फाइंड द मीडियन, मीडियन इज द मिडिल मोस्ट एलिमेंट। सो ये सब क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मूलेज फॉर दैट, विल सी दोस थिंग्स इन द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। देन विल टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को आप डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट वी हैव, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स। सो हमने हर एक चैप्टर में
कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लिखे। अब आप कह सकते हो कि आपने इंट्रोडक्शन, सॉरी लाइंस एंड एंगल्स का कुछ नहीं लिखा, क्वाड्रिलेटरल का कुछ नहीं लिखा। सो क्वाड्रिलेटरल, लाइंस एंड एंगल्स में आप जो पढ़ेंगे वो मैंने आपको बताया। सो जिन चैप्टर्स का मैंने नहीं लिखा वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, बट उन चैप्टर्स की मैंने आपको वर्बली डिस्कस किया। सो दीज 15 चैप्टर्स वी हैव रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, हीरॉन्स फॉर्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। दीज 15 चैप्टर्स आर क्लब्ड एंड फॉर्म्ड एज 6 यूनिट्स। वो 6 यूनिट कौन कौन सी हैं? नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। टोटल ऑफ 80 मार्क्स। सो आफ्टर दिस डिस्कशन मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक, नॉट द टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एंड यू हैव टू फोकस मोर। सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्कल्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, देन लाइंस एंड एंगल्स, देन पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, रियल नंबर। सो हमने कौन कौन से चैप्टर बोले? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्कल्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, लाइंस एंड एंगल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल, रियल नंबर। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब आप कहेंगे कि लास्ट चैप्टर्स हैं उनको आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोला? द रीजन बिहाइंड दैट कि जैसे जैसे बच्चा फिर पढ़ता रहता है तो उसका जो ध्यान है वो लास्ट चैप्टर पे आते आते ऐसा होता है कि जब सर ने इंपॉर्टेंट बोला था तो वो तो बहुत ईजी थे, सिर्फ रूल्स ही तो थे, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में तो सिर्फ एक एक फॉर्मूला, मीन का एक फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला, इन तीन पर्टिकुलर चीजों के फॉर्मूले देखने, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखना। सो मान लीजिए अगर 5-6 फॉर्मूले भी हैं सो तो याद हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोला कि मैक्सिमम गलतियां बच्चे उन्हीं के क्वेश्चन में करते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन इज मोर। कई बार प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में अटकाया जा सकता है, वेरी लॉजिकल क्वेश्चंस। सो लॉजिकल क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं प्रोबेबिलिटी में, दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कैलकुलेशन मिस्टेक होने का बहुत चांस होता है स्टैटिस्टिक्स में, दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक तो किसी भी चैप्टर में हो सकती है सिंस इट्स मैथ्स, बट सबसे ज्यादा चांसेस हैं स्टैटिस्टिक्स में, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट ए टेबल। टेबल क्रिएट करने के बाद आप कई सारे कैलकुलेशन करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। सो वहां कहीं ना कहीं माइन्यूट मिस्टेक हो सकती है जिसका हमें केयर करना है। सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने आपको बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हमने आपको बताए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 9th मैथ्स अकॉर्डिंग टू CBSE।